नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। ऐसे में कुछ ऐसी दवा कंपनियां सामने आई हैं जिन्होंने वैक्सीन बना के हमें बड़ी राहत दी है। वहीं दूसरी तरफ हम सब परेशान थे कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई थी, पर अब हम सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि देश में बच्चों के वैक्सीन के ट्रायल कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कर रही है और खुशी की बात यह है कि तीसरे फेज का ट्रायल हो चुका है और कंपनी ने बताया कि अगले हफ्ते वे थर्ड फेज का डेटा DGCI को सौंप देगी। तो इन खबरों के आने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 से 18 साल वाले बच्चों की वैक्सीन लगना अगले महीने से शुरू हो सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी शॉर्ट न्यूज आपके पास पहुंचती रहे।